दोस्तों, आप सभी ने क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में ही देख डालिए। यह एक साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवी है, जो कि एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ एक्सीलेंस है। जिन्होंने इसे देखा है उनमें से ज्यादातर लोगों को इसकी कहानी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट के चक्कर में समझ ही नहीं आया है कि चल क्या रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि यह मूवी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेकर चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। ओपेनहाइमर, यह फिल्म अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम की एक बायोग्राफी पर आधारित है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। क्रिस्टोफर नोलन ने इसकी कहानी को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दो अलग अलग टाइमलाइन में डिवाइड किया है, फिजन और फ्यूजन, जहाँ फिजन को कलर में और फ्यूजन को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है। फिजन को ओपेनहाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है और फ्यूजन को लुइस स्ट्रॉस यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि एक टाइमलाइन खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो जा रहा है। पूरी मूवी में ये दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिजन और फ्यूजन का अंतर भी समझ लीजिए। दरअसल फिजन और फ्यूजन दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। फिजन में एक हैवी एलिमेंट टूटकर दो या दो से अधिक लाइट एलिमेंट्स में डिवाइड होता है, जबकि फ्यूजन में दो या उससे अधिक लाइट एलिमेंट्स मिलकर एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। कहानी को आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझिए कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कहानी फ्लैशबैक में गई है और कलर का मतलब कहानी प्रेजेंट में चल रही है। कहानी सन 1945 के फिजन टाइमलाइन पर शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस की हियरिंग के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां उनसे काफी अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं जिसको झेलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यहीं से कहानी ओपेनहाइमर के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर उनकी कॉलेज लाइफ से लेकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट तक सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूक्लियर फिजन की खोज होने के बाद ओपेनहाइमर को यह लगा कि इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। इसी के चलते उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वो अपने टॉप भरोसेमंद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ बम बनाने का काम शुरू करते हैं। इसी बीच हिटलर की मौत हो जाती है, जिसके बाद बम बनाने के काम में और तेजी आ जाती है। आनन फानन में बम की टेस्टिंग शुरू कर दी जाती है। इस सिचुएशन में उनकी एक लड़ाई देश के लिए चल रही थी तो दूसरी लड़ाई खुद के साथ चल रही थी। बम की सफल टेस्टिंग होने के बाद उनकी यह कोशिश थी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध विराम और शांति कायम रखने के लिए हो। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके इस बम का इस्तेमाल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया है, जिसमें 3 से 3.5 लाख लोग मारे गए हैं, तो यह जानने के बाद वो अपने आप को बहुत कोसने लगते हैं। उन मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगते हैं। और यहीं पर उन्हें भगवद गीता की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेशु योद्धा। इस पश्चाताप के कारण वो अपने अंदर की भड़ास को दबा नहीं पाते हैं और एक दिन मौका देखकर अपनी सारी भड़ास बाहर निकाल देते हैं। जापानी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना उन्हें देशद्रोही की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। उनकी यह बात कई खुफिया एजेंसी और कांग्रेसमैन को काफी बुरी लग जाती है, जिसके बाद वो ओपेनहाइमर का चैन से जीना दुश्वार कर देते हैं। उन्हीं में से एक था AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन लुइस स्ट्रॉस। ये सब अभी चल ही रहा था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाली टीम का एक साइंटिस्ट सोवियत यूनियन का जासूस निकल जाता है, जो परमाणु बम बनाने की सारी जानकारी लेकर फरार हो चुका था। यह खबर ओपेनहाइमर के लिए एक और सिरदर्द बन जाती है। दूसरी तरफ सन 1959 के ब्लैक एंड व्हाइट फ्यूजन टाइमलाइन में हमें लुइस स्ट्रॉस यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की हियरिंग दिखाई जाती है, जहां वो ओपेनहाइमर के साथ अपनी मुलाकात और अपने अनुभव के बारे में बताता है।
दरअसल वो ओपेनहाइमर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि ओपेनहाइमर ने रेडियो आइसोटॉप्स के एक्सपोर्ट वाले प्रस्ताव को लेकर भारी सभा में उसका काफी मजाक उड़ाया था। तभी से वो एक खास मौके की तलाश में था। यहाँ पर हमें ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन की मुलाकात भी देखने को मिलती है। ओपेनहाइमर की प्राइवेट हियरिंग के दौरान उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल यह सारा जाल स्ट्रॉस के द्वारा ही बिछाया गया था, ताकि ओपेनहाइमर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं और समाज में उनकी इमेज खराब हो जाए। यह देखकर उसे बहुत तसल्ली मिल रही थी। ओपेनहाइमर जब चाहते तब इस केस से निकलकर खुद को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ उनके आत्मसम्मान पर बात आ गई थी, इसलिए उन्होंने लड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन जब बात देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति और परमाणु बम के जनक की थी, तो सच ज्यादा दिन तक कहाँ छिप सकता था। स्ट्रॉस अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है और बुरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। यानी सबको पता चल जाता है कि ओपेनहाइमर को जानबूझकर परेशान किया जा रहा था। अब भले ही वो एक फर्जी सुनवाई थी, लेकिन फिर भी ओपेनहाइमर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आखिरी सीन में हमें ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन के बीच एक खास बातचीत देखने को मिलती है, जहां आइंस्टाइन बोलते हैं कि अपनी कामयाबी के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, इसलिए खुद अपनी पीठ थपथपाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ। ओपेनहाइमर को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि उन्होंने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उनकी आंखों के सामने ही धरती का भविष्य दिखाई देने लगता है, जहां चारों तरफ सिर्फ परमाणु बम की जंग शुरू हो चुकी है और इसी के साथ धरती का सत्यानाश भी शुरू हो चुका है। यानी वो बन जाते हैं डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। जाहिर सी बात है कि ओपेनहाइमर अपनी सफलता के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके योगदान की बदौलत दुनिया में शांति कायम रहेगी, लेकिन उसे हथियाने और सुपर पावर बनने की रेस में पूरी दुनिया एक और विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। ये तो थी फिल्म की बात। अब बात करते हैं इस फिल्म के कंट्रोवर्सी की। बहुत लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म में भगवद गीता को गलत तरीके से दिखाया गया है, उसे सेक्स करते वक्त पढ़ते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ एक बात जान लीजिए कि उस सीन में जिस गीता को दिखाया गया है, वो असली गीता तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ओपेनहाइमर के पास जो गीता पाई गई थी, वो ऑर्थर डब्लू राइडर द्वारा ट्रांसलेटेड वर्जन थी, और इस गीता को ब्रैडबरी साइंस म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखा गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि ओपेनहाइमर को साहित्य में बहुत दिलचस्पी थी, और उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवद गीता तक लेकर आई। वो इसे बिना अनुवाद किए ही पढ़ना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखा। इसलिए वो राइडर के साथ ही संस्कृत की क्लास भी लिया करते थे, ताकि वो भगवद गीता को उसकी मूल भाषा संस्कृत में ही समझ सकें। लेकिन सेक्स करते वक्त गीता पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसे कई और तरीके से भी दिखाया जा सकता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। फिल्म के मैक्सिमम सीन्स में ओपेनहाइमर सिगार पीते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल वो बचपन से ही चेन स्मोकर थे, जिसके चलते उन्हें कई बार ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी भी हो गया था, और उनकी इसी आदत ने उनकी जान ले ली। जी हाँ, सन 1967 में 62 साल की उम्र में गले की कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। यह फिल्म बाकी बायोपिक से अलग इसलिए है क्योंकि जहाँ बाकी बायोपिक्स में बचपन, गरीबी इन सब बातों पर फोकस किया जाता है, वहीं इस फिल्म में एक साइंटिस्ट की लाइफ को साइंटिफिक स्टाइल में दिखाया गया है, और वो भी उसकी खोज के आधार पर। ये वाकई अब तक का सबसे यूनिक सिनेमा है, गॉड लेवल सिनेमा है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है क्रिस्टोफर नोलन को। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।